ईद पर दिए गए बयान पर बुलंदशहर से बीजेपी सांसद विवादों में घिर गए हैं। उनके बयान के बाद विपक्षी पार्टी ने ऑल इंडिया इमाम फेडरेशन ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इस मुद्दे पर ऑल इंडिया इमाम फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेर इलियासी ने कहा है कि अगर इबादत से किसी को खलल पहुंचती है तो उसके लिए सरकार को नए इबादत स्थल बनाने चाहिए। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी भोला सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भोला सिंह गिरिराज सिंह के लक्ष्य कदम पर चल पड़े हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ईद के एक दिन पहले भोला सिंह ने कहा था कि मुस्लिमों को सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, इससे रास्ते ब्लॉक होते हैं। अगर किसी भी धर्म के त्यौहार के कारण अगर किसी को असुविधा होती है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। त्यौहार सभी धर्मों का सर्वोपरि त्यौहार होता है, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो। लेकिन त्यौहार मनाते वक्त ये देख लेना चाहिए कि उनके त्यौहार से किसी को असुविधा ना हो। हिंदू धर्म में होली भी आती है, दीपावली भी आती है, रक्षाबंधन भी आता है और बड़े हर्षोल्लास के साथ में पूरा देश त्यौहार मनाता है, लेकिन किसी व्यक्ति को असुविधा हमारे त्यौहारों की वजह से नहीं होती है। अगर किसी और धर्म के व्यक्ति की त्यौहार में असुविधा होती है आमजन को, तो निश्चित ही वो नहीं होनी चाहिए। और सड़क अगर ब्लॉक होती है, आस्था है तो आस्था के लिए एक उचित स्थान है, वहाँ पर जाके उसको वो करें। रोड वोड जाम नहीं होने चाहिए, अगर ऐसा होता है तो गलत होता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ख़ास तौर पर हमने तमाम अपने लोगों को बोला है कि ये बात बिल्कुल सही है कि ये इबादत चूँकि आपकी ज़ाती आपकी इबादत है, आपका पर्सनल है, और दूसरों को तकलीफ़ ख़ास तौर पर पहुँचनी ही नहीं चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए ख़ास तौर पर हमारी वक्फ़ की ऐसी जायदादें, ऐसी ज़मीनें, ऐसी जगहें मौजूद हैं, उन जगहों पर जाके अपनी नमाज अदा करें, दूसरे को डिस्टर्बेंस ना करें, इबादत से दूसरों को खलल पहुँचे तो ये मुनासिब नहीं है, इसका ख्याल हमें करना चाहिए। मस्जिदें, ईदगाहें और जहाँ पर जगहों की कमी है, किल्लत है, वहाँ वो बनाएँ और उसकी ज़रूरत को पूरा करें, लेकिन दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचे, इसका हमें पहले ख्याल करना चाहिए।